Welcome to Cover Story. This week we are in conversation with Moishina Kidwai. Her book is out, My Life in Indian Politics, as told to Rashid Kidwai. Rashid Kidwai is a political historian, author, and Mohisena Ji, ke mein we all know she's been a Congress leader, she's a former union minister for over six decades. Mohisena Ji, aapki kitab, I really enjoyed reading this book, and it's got a, a matlab, forward by Sonia Gandhi and Singh. एंड शशि थरूर जिनके बिना आई थिंक आजकल कोई बुक सक्सेस नहीं होती सो यू हैव इट्स अ बुक है पढ़ने में टेल द व्यूअर्स इट्स अबाउट यू नो मोहसिना जी इज़ वर्क फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन कांग्रेस यू नो फ्रीडम फाइटर्स नेहरू जी से इनका ताल्लुक था फिर इंदिरा गांधी टू राहुल गांधी टू द नाव 2016 हज़ार सोलह तक शीज बिन एक्टिव 28 साल की थी फोर्ट ऑफ फर्स्ट इलेक्शन तो काफी हमको कांग्रेस की हिस्ट्री भी समझ आती है फ्रॉम दिस बुक एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड वे द कांग्रेस इज टू सो इट गिव्स यू अ लिटल परस्पेक्टिव ऑन वे द कांग्रेस इज हेडिंग एंड ऑल्सो शी इज वेरी ऑप्टोमिस्टिक अबाउट द कांग्रेस विच आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड वाई शी इज सो ऑप्टोमिस्टिक क्योंकि अभी जो दिखता है हेडलाइंस में न्यूज में पीपल आर नॉट सो ऑप्टोमिस्टिक

जब तक लोकसभा में तो इस्टेट पॉलिटिक्स में थी जी। और इसका इम्पोर्टेंस बताइए इस इलेक्शन का, का जीतना कितना महत्वपूर्ण है देखिए मैं समझती हूँ कि उस वक्त इंदिरा जी के लिए इस क़दर हमदर्दी पैदा हो गई थी कि वो आ, उस उ, कुछ उसका हिस्सा था और कुछ ये कि लोगों ने अपनी गलती महसूस की आवाम ने अपनी गलती महसूस की कि हमने बहुत गलत काम किया कि इंदिरा जी को जैसे कहा जाता है ना कि कोई भगवान थे जिनके यहाँ था कि हर एक, एक एक गिलास पानी डाल दे दूध डाले और उनमें से कोई एक दो चार ने कहा कि तब तो दूध डाल ही रहे बोला मैं पानी डाल दूँ तो वो इस तरह से मुझे लगता है मैं ऐसे देखती हूँ उसको कि इंदिरा जी को लोगों ने उनको मेरे ख्याल उनकी उन क्वालिटीज़ को नहीं पहचाना जो उनके अंदर छुपी हुई थी एक्चुअली किताब में आपने इमरजेंसी के बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग टेक दिया है पर उससे पहले मैं एक रशीद को भी इन्वॉल्व करना चाहती हूँ दी इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इलेक्शन जी देखिए सेवेंटी एट का जो इलेक्शन था वो बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई थी उत्तर भारत में तो उस समय आप वहां पर लोकसभा का चुनाव लड़ी और चुनाव बड़ी विषम परिस्थितियों में था मतलब वेरी डिफिकल्ट इलेक्शन आपने उस किताब में लिखा है बताया है मुझे कि उसमें इंदिरा गांधी को वहाँ गेस्ट हाउस में रहने नहीं दिया गया फंड्स की बड़ी कमी थी बताया एक बड़ा दिलचस्प वाकया लिखा है आपको याद होगा कि बार बार सुबह गाड़ियां निकलती थी जो विपक्षी कैंडिडेट थे तो वहाँ एक पान वाला था तो पान वाले ने इनको जो उसकी दिन की जो बोनी होती है जो पूंजी से रुपये का आपको डोनेशन दिया था तो इस तरह

और आप कहते हैं कि जा, जिस हद तक सिविल लिबर्टीज़ और मीडिया पे बैन हुआ उसके आप फेवर में नहीं है लेकिन देर वॉज अ परसपेक्टिव देर वॉज अ बैकग्राउंड क्योंकि उनको इमरजेंसी करनी पड़ी क्योंकि उस समय जयप्रकाश नारायण ने आर्मी और पुलिस को बोला था कि आप ऑर्डर्स ना लें इफ इट डजन अपील टू योर मॉरल कॉन्शियस तो थोड़ा सा डिसोबीडियंस उस तरफ से हो रहा था सो दिस स्टेप हैड टू बी टेकन दिस इज वॉट देखिए मैं इमरजेंसी के कुछ आ, जो वो मतलब जो गलत तरीके से इमरजेंसी लगाई भी गई उसका भी मैंने तस्करा किया है कि जैसे ये था कि मैं इसके खिलाफ थी कि सारे लीडर्स को उठा के बंद कर दिया दूसरा मैंने कि अखबारों पे आपने पाबंदी लगा दी नतीजा ये हुआ कि आवाम को कोई सही खबरें नहीं मिली कि भाई एक्चुअल हो क्या रहा है सब यही समझे कि भाई सेंसर आ रही है न्यूज़ तो लोग क्या समझेंगे उसको पढ़ के तो वो चीज़ें भी मैंने इसमें लिखी हैं और मैंने ये दिखाया है कि इमरजेंसी हर पहलू से मतलब कुछ लोग आवाम के लिए ठीक थी आवाम की बस चल रही थी सही ट्रेन चल रही थी कोई कहीं रिश्वत का मसला नहीं था कुछ भी नहीं था तो वो सारी चीज़ें जो थी वो लेके इमरजेंसी के कुछ अच्छे पहलू भी थे लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसे आरएसएस कहती है या बीजेपी कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो एक हिस्सा उसका आप ये देखिए तो वो है कि आप इमरजेंसी लगा सकते हैं इन हालात में लगा सकते हैं तो हालात तो वही थे कि पुलिस को भड़काया जा रहा है फ़ौज को भड़काया जा रहा है तो उन हालात में अगर इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो कोई गलत नहीं किया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो बिल्कुल नहीं थी तो मेरा ये कहना है कि बहुत अवाम को उससे फ़ायदा था भले दूसरी पार्टियों को उससे तकलीफ़ हुई हो लेकिन अवाम को तो उससे फ़ायदा था आपने वो ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम के बारे में ज़िक्र किया है और कहा कि एक फ़ाइव पॉइंट प्रोग्राम भी था जिसको कन्फ्यूजन कर देते हाँ, थे हाँ। उसके बारे में देखिए फाइव पॉइंट प्रोग्राम जो थे तो वो जो थे वो उसमें एक था फैमिली प्लानिंग का उसको इन्होंने इतना एक्सप्लॉयट किया मैं अपनी आपको मिसाल दे रही हूँ कि मैं हर गांव में गई पचास गांव मैंने अपने इलेक्शन में घूमे होंगे हुँ. लेकिन असेंबली के तो वहाँ पे यही सवाल था कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे वोट इसलिए नहीं देंगे कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ कोई तो हमने वाकई वाकईरली मैंने कहा मुझे भैया उस घर में ले चलो मैं पुरसा ही दे आऊँ इसलिए कि अगर हमारी वजह से लगी है इमरजेंसी तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे घर में नहीं हमारे नहीं अंते गाँव अंते का मतलब दूसरे गाँव में है।, है उसका क्या मतलब हुआ तो हमने कहा तुम्हें कैसे मालूम हुआ फिर कह रात भर हमारा हर के खेत में छुपे रहे तो हमने कहा कैसे तुम्हें मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कल आए रहा है उमा ए एक मौलाना भी थे एक पंडित जी थे और कई लोग मिल के आए थे और हम लोग अलाउताप रहे थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम दूसरे गांव से आ रहे हैं वहाँ तो रात भर लोग हर हर के खेत में छुपे रहे इसलिए कि वो आ गए थे इमरजेंसी वाले और वो, वो फैमिली प्लानिंग वाले तो वो इस तरह से बात अंदर तक फैलती चली गई तो ये विस्पर कैंपेन का जिक्र हाँ, हाँ, था। हाँ, और और प्रिया इसमें मैं एक और बात बताऊं कि मोसेना जी की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उपलब्धि है कि जब ये इमरजेंसी में जो ये नसबंदी या फैमिली प्लानिंग को लेके इतना निगेटिव पब्लिसिटी हुई या कराई गई और फिर आप जब राजीव गांधी की सरकार में आप हेल्थ मिनिस्टर बनी एक मुस्लिम वुमेन हेल्थ मिनिस्ट्री में और आपने फिर वो जो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम था उसको वापस लाई मतलब अच्छा, बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप वो और आज जो भारत की जनसंख्या मतलब स्टेबलाइज हो गई है मुसलमानों की भी और सबकी तो वो उसमें आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है पर अभी बात भी चल रही है गवर्नमेंट भी इस के यू नो दे शुड लिमिट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक तौर से वो फैमिली प्लानिंग ही कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको लगता है इज़ इट टारगेटिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी या फिर ये इसका और उस प्रोग्राम में कुछ फ़र्क है देखिए ऐसा है कि मेरी थिंकिंग दूसरी है हाँ वो ये है कि आज कल आप मुझे बता दीजिए कौन ऐसा है जिसके दो से तीन से ज़्यादा बच्चे नहीं है को पढ़े लिखा कोई खानदान अफोर्ड कर सकता है दस बच्चे तो मेरा कहना यह है कि आज कल पढ़े लिखे लोग और और अब मैं आपको एक कस्ता सुनाऊं कि मैं गई थी वो अब से ये मेरे ख्याल तिरसठ सौ फिफ्टी थ्री और फिफ्टी फोर की बात है मैं जनरल सेक्रेटरी वहां थी सोशल वेलफेयर बोर्ड का एक हुआ करता था अब तो खत्म हो गया वो रहता तो बहुत अच्छा रहता तो वो जो था वो हम जब जाते थे तो जो बहुएं थी नई नई बहुएं थी घूंघट काड़े घूंघट लगाए और ऐसे करती थी और कहती थी कि कोई दवा ऐसी बताओ कि बस दो बच्चे हो अच्छा मैं आपको ये बता रही हूं अपना चश्मदीद तो वो और उनकी बूढ़िया कहती थी जो सासे वासे थी नंदो, वो कहती थी अरे छुप जाओ जाओ तुम लोग अंदर जाओ आई गई फैमिली प्लानिंग अच्छा तो ये हम लोगों ने अपनी जिंदगी में ये सब देखा है तजुर्बा तो किया है तो फैमिली प्लानिंग को इन लोगों ने एक्सप्लॉट किया है और ऐसा वैसा नहीं एक्सप्लॉयट किया है ये बाकायदा जो मुझे इतना है कि वो पटना में एक मीटिंग हुई इसमें जॉर्ज फर्नांडिस और उनके सारे लोग थे उन्होंने कहा कि भाई अब ये प्रोग्राम ऐसा बीस ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम ऐसा आ गया है कि इससे तो इंदिरा गांधी को कभी कोई हटा नहीं सकता है अच्छा सकता अगर है। वो इम्प्लीमेंट हो गए हाँ। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा है हाँ। कि जिसको हम लोग अगर पकड़ लें तो हम शायद कामयाब हो जाए वो है फैमिली प्लान क्योंकि इतना पर्सनल प्रोग्राम और ख़ास तौर से अब से पचास बरस पहले तो बहुत इसमें बहुत ज़्यादा उसको समझा जाता था तो मैं समझती हूँ कि ये एक्सप्लाइटेशन और ये अपोजिशन का एक हथियार एक टूल बन गया फैमिली प्लानिंग सरकार को हटाने के लिए पर ये रशीद जो टूल बन गया बट जो एमरजेंसी कांग्रेस गवर्नमेंट भी कर रही है दिस जी ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है जगह जगह कि इंदिरा गांधी को उसका एक, एक एहसास था कि उनसे कोई ओवर भी गलती हुई कुछ इनपुट्स ठीक नहीं मिले कुछ सलाह ठीक से नहीं मिली तो उन्होंने उसको और उसके बाद फिर इलेक्शन कराया देखिए इंदिरा गांधी हाँ, उस समय संविधान की आप बताएंगे इसके बारे में कुछ जो इंदिरा गांधी ने जो अस्सी में इलेक्शन अनाउंस किया नहीं मतलब सॉरी हाँ। में जो इलेक्शन किया जी, जी। हाँ। और मैं उस वक्त कनाडा गई थी तो वहां हाँ, पे पूरी पूरी हेडिंग आ रही थी मैंने लिखा है इसमें तो वो मैंने आके बताया आपको मालूम है कि मैंने बताया इंदिरा जी कि आप किसके बिल करने वाली हैं ये इलेक्शन क्यों करा रही इलेक्शन का अगर आपके दिमाग में कहीं कोई ख्याल है तो इंदिरा जी हटा दीजिए इस वक्त आप इलेक्शन जीत नहीं सकती बट उनको गलत इन्फॉर्मेश लेकिन उनको गलत तो उन्होंने बताया मुझे कि भाई सी तो कह रही है आईबी तो कह रही है कि नहीं बहुत अच्छा वक्त है तो मैंने कहा आपको अपनी आईबी पे भरोसा है हाँ। कहने भाई करना तो पड़ता ही है बात तो उन्होंने सही कही मैंने कहा बिल्कुल नहीं इस वक्त दिमाग में अगर आपके है तो आप बिल्कुल मत नाम मत लीजिए इलेक्शन का इस वक्त आप हाँ मैं मैंने बल्कि एक बात उनसे ये कही इंदिरा जी से मैंने कहा कि आप मतलब लड़ सकती है इस जज्बे से लड़ सकती हैं आवाम आपको वोट नहीं दे रहे आप आवाम से नहीं लड़ सकती पॉलिटिकल पार्टी से लड़ सकती है आवाम से आप नहीं लड़ सकती विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इवन फॉर टुडे इज पॉलिटिक्स मैं आपका टेक अ ब्रेक एंड कम बैक एंड आस मोहेश जी वाई शी इज वेरी साइग्वेंट अबाउट द कांग्रेस प्रॉस्पेक्ट्स इवन टूडे एंड कांग्रेस की आइडियोलॉजी जैसे कि वो समझती हैं और आज तक किस हद तक जवाहरलाल नेहरू की आइडियोलॉजी कांग्रेस में कायम है या नहीं बट आफ्टर क्विक ब्रेक वेलकम बैक टू अवर स्टोरी कॉन्वर्सेशन अराउंड मोहसिना किडवाइज ऑटोबायोग्राफी माय लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स एज टोल्ड टू रशीद किडवाई हु ऑफ कोर्स वी नो एज अ पॉलिटिकल ऑथर हिस्टोरियन मोहसिना जी ब्रेक uh, के पहले मैंने जिक्र किया था कि यू नो यू रिटन दैट कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी इट वॉज नेवर यू नो नेहरू के टाइम से भी ही वो सोशली लेफ्ट की तरफ थे लेकिन इकोनॉमिकली उनका ये जो कहते हैं ना एंटी कैपिटलिस्ट कभी नहीं थे पर आज जो कांग्रेस का इंप्रेशन आ रहा है कि वो बिल्कुल इकोनॉमिकली भी लेफ्ट है सोशली भी लेफ्ट है और कैपिटलिज्म तो बिल्कुल ही उनको पसंद नहीं है देखिए एक तो ये है कि कांग्रेस की तरफ से बात नहीं आ रही है ये आप ये बीजेपी की तरफ से या पोलिटिक और दूसरी पार्टियाँ जो हैं उनकी तरफ से आई कांग्रेस की तरफ से ये कभी नहीं आया और अगर आप मुझसे सही पूछिए तो जो मेरा नेहरू जी के बारे में मेरा ख़्याल है वो ये है कि नेहरू जी एक बहुत बड़े रिफॉर्मरिस्ट थे और वो मतलब वो बातें उन्होंने सब की देखिए एक तो ये कि जो वादा करते थे आवाम से वो पूरा करते थे सबसे बड़ी बात उनकी ये थी आप बताइए जब जमींदारी एबॉल्यूशन का बात हो रही थी कि हम जमींदारी एबॉल कर देंगे तो कोई कहता सब कहते थे जमील साहब जो थे वो जब जाके कहते कि हमारी सरकार आएगी तो हम ज़िम्मेदारी अबोलिश कर देंगे तो कैकह लगा के लोग हंसते थे कि ये पागल हो गए हैं इसलिए कि कोई आज तक ज़िम्मेदारी हटा नहीं पाया है लेकिन उन्होंने वो वो भी हटाया जिम्मेदारी हटाई उसके अलावा जितने भी वादे किए आज आप कहते हैं कि कांग्रेस ऐसा नहीं कहती है लेकिन राहुल गांधी के बोल अगर सुने ही इज ऑलवेज टारगेटिंग मे बी ही वन और टू इंडस्ट्रियलिस्ट पर उनका हमेशा जो होता है वो कैपिटलिस्ट शुरू शुरू में दैट इज वोटेड आउट बिकॉज दे फेल्ड कि ये ज्यादा एनजीओ और लेफ्ट की तरफ झोला वाला सरकार आ गई है नहीं देखिए राहुल ने ये भी कहा है कि मैं पूंजीपतियों के खिलाफ नहीं हूँ देखिए मेरी नजर में पूंजी पति जरूरी है इस देश के लिए क्योंकि दो साइड हैं एक है कि आपके जो ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं ये आपने सब बंद करनी बेच रहे हैं आप हैं पब्लिक अंडरटेकिंग क्यों नेहरू जी ने बनाई इसलिए कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे एंड रंगर डैमोहे के कारखाने आप बताइए आपका नोएडा बना बनाने में भी आपका बड़ा रोल <laughs> तिवारी जी का अच्छा, मैं तिवारी जी थे उस वक़्त हमारे चीफ मिनिस्टर मैं थी इंडस्ट्री मिनिस्टर हाँ। यूपी में तो ये वैसे ब्रेन चाइल्ड ये संजय का है संजय गांधी संजय गांधी लेकिन यहाँ पे हम और मुझे याद है ये जमुना का किनारा और उसमें ऊपर से टिन शेड पड़े हुए उसके नीचे हम लोग बैठे हुए सारे ऑफिसर्स नक्शे फैलाए हुए कि कहाँ से क्या होगा कैसे होगा और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा ये आइडिया थी वो ये कि जो संजय ने कहा कि भाई ये दिल्ली का रश कम करना चाहिए तो वैसे बेसिकली तो ये बना था कि वहाँ के कुछ ऑफिस इधर कर दिए जाएं और रिजेडेंसीज इधर कर दिए जाएँ ताकि लोगों को वहाँ न जाना पड़े और वहाँ का क्राउड ख़त्म लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया पूरी प्लानिंग इसकी हो नहीं पाई जैसा सोचा गया था तो वो हम लोगों ने भी सोचा था कि भाई अच्छा है यूपी भी डेवलप होगा और होगा

जो दिखाया जाता है कि बहुत ही वो प्राउड और बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप उनमें थी और ये था वो था सब जो भी आप देखते हैं तो जो उनका कैरेक्टर दिखाया जाता जबकि वो इसके बिल्कुल फरक थे और उनका इतना नरम दिल था कि मैं आपको क्या बताऊँ एक नहीं सैकड़ों वाकत बता दूँ कुछ उसका बताइए हाँ। एक मैं बता रही हूँ दो तीन कस्से हैं लेकिन ये कि वो एक लड़की थी हमीदा वहाँ थी चिकन की बा, काम करती थी शिवाजी ओनली अर्नर ऑफ हर फैमिली वो वही कमाती थी सब खाते तो मैं वो उसकी कुछ बीमारी ऐसी हो गई तो मैंने कहा मैं, मैंने कहा हम लोग जब इंदिरा जी को मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व करते थे छोटी छोटी चीज़ों में तो छोटी चीज़ नहीं थी उस फैमिली के लिए बड़ी थी तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक लड़की है और वो अपना खा अकेली है अपने ब्रदर ना तो आप उसके लिए कुछ कर सकती हैं तो आप यकीन नहीं करेंगी प्रिया कि मेरा ख्याल है मैंने उनसे फोन फ़ोन पे कहा और उन्होंने तो मुझे तीसरे दिन फ़ोन किया कि मोसना तुम तो उसके किराए का इंतज़ाम कर दो और जसलोक हॉस्पिटल या बॉम्बे का कोई है उसमें उसका पूरा इंतजाम है वो तुम किराया का सिर्फ इंतजाम कर दो और सब उसको वहां फ्री मिलेगा इज़ योर टेक

तो वो बिस्किट के भी आपके पास कुछ बिस्किट थे तो हाँ। वो बिस्किट भी उन्होंने एक एक ड्राइवर को दिया एक ख़ुद खाया हाँ। और उन्होंने कहा कि हाँ। ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी गाड़ी चला रहा है तो इस तरह की चीज़ें उनमें ह्यूमन टच बहुत था अब मोदी जी का तो एक दूसरे किस्म का एक व्यक्तित्व है और देखिए इंदिरा गांधी स्ट्रॉग भी बहुत थी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए बहुत से उनके पास अपनी उनकी उपलब्धियाँ भी थी तो दो लोगों का मुझे लगता है कंपेरिज़न करना इतना मुनासिब नहीं है वह एक और किस्सा है जब उन्होंने आपकी बेटी को डांटा था द बाथरूम लाइट ऑन जो आई थिंक हर घर में बड़े बच्चों को डांटते हैं बट देखो uh, हाँ। एक और नहीं आप... मैं आपको ये कहती हूँ कि इंदिरा जी जो थी वो जो जिन जो, जो इन्होंने कहा तो मैंने कहा उनसे कि आज हम गए थे वहां बद्रीनाथ तो उन्होंने कहा कि बहुत ठंड है और इन वो जो है ड्राइवर अपना इंजन गर्म करने में लगे रहे खाया नहीं है उन्होंने तो पहला ढाबा जो मिलेगा वहाँ इनको चाय पिला दें कह ठीक है ये सुन लिया उन्होंने और अपनी हथेली पे चार टुकड़े करती थी के कहती है बस एक एक उठा के खा लो तुम तो, ड्राइवर <laughs>

कि मैंने कभी ये मैंने लिखा भी है कि संजय ने मुझसे कहा कि हम आपको प्रेसिडेंट बना रहे हैं और आप पंडित जी से लड़ लेंगे तो मैंने कहा आप कैसी लड़ाई चाहते आप ये चाहते हैं कि मैं रोज़ उनके ख़िलाफ़ बयान दूँ उनके लिए बदतमीज़ी की बातें लिखूँ ये सब मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसी लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगी मैं लड़ाई लड़ूंगी और ये मैं आपसे वादा करती हूँ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जब मुझे प्रेसिडेंट बनाया यूपी का तो मैंने कहा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मैं सब कुछ करूंगी लेकिन ये कि मैं ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकती जैसी आप चाह रहे हैं वो लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगी तो उस समय की यूपी की कांग्रेस से अब कैसे कमजोर होती गई होती गई असल में ये सब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन तगड़ा है जैसे इंदिरा जी के वक्त में हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन इस कदर मज़बूत था कि मैं आपको क्या बताऊँ एक मिनट में इधर से उधर ख़बर पहुँच जाती थी कि इंदिरा जी इधर से गुजरने वाली मुझे याद है कि एक जगह थी जहाँ रेलवे क्रॉसिंग और वहाँ ये पहुँच गया पैगाम कि इंदिरा जी इस रास्ते से गुजरेंगे अब रेलवे क्रॉसिंग और उसके ऊपर इस गज़ब का मजमा कि मैं आपको क्या बताऊं प्रिया इतना मजमा कुछ नहीं वहाँ पर इंदिरा जी ने कहा कि उन्हें कुल्हड़ की चाय बहुत पसंद थी कह लगी कि मैं कुल्हड़ की चाय पीऊँगी तो मैंने कहा देखिए सामने ही दुकान थी मैंने कहा यहाँ आते आते जाने नहीं कितने कुल्हड़ तो टूट ही जाएंगे सरों पे और यहाँ नहीं आप चाय पी सकते कह नहीं भाई मुझे पीना है खैर वहाँ से हम किसी सूरत से वो दुकानदार बेचारा पैसे भी नहीं दिए और वो लेके आया तो उन्होंने चाय पी तो लेकिन मजमा इस गजब का था कि मैं क्या बताऊं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता जिस वक्त हमारे ब्लॉक से लेके और जिले और शहर तक बेहद ऑर्गेनाइज थे यही मिसिंग है ना रशीद यू बहुत चीजें मिसिंग है आपने तो बहुत ज्यादा यहाँ पर दिल्ली में वो इफ्तार का रोजा इफ्तार का आपने बड़ा अच्छा सिलसिला शुरू किया आज रोजा इफ्तार भी गायब हो गए हैं और बहुत ही पोलिटिकली इनकरेक्ट बन गए पहले तो उस समय इफ्तार का शुरू कैसे हुआ सिस्टम क्या कोई सोचती कि ऐसे ही बाई चांस हुआ और इफ्तार नहीं नेहरू जी के वक्त से हो रहा था, था। नेहरू जी बुलाते थे लेकिन नेहरू जी के वक्त में हम लोग तो थे नहीं मतलब उस नहीं थे कि हम बुलाए जाते हमारे ससुर बुलाए जाते लेकिन इंदिरा जी ने ही शुरू किया कि... और इंदिरा जी ने जो इफ्तार पार्टियाँ शुरू की तो उस जमाने में ये समझिए कि एक एक जगह दसियों होती थी कहाँ जाओ और कहाँ ना जाओ बल्कि वो पाकिस्तान के एम्बेसडर भी उस वक्त आते थे इंदिरा जी के इफ्तार में अच्छा। दो दिन बुलाती थी एक दिन डिप्लोमेट्स को और एक दिन अपने वर्कर्स को तो ए, वो आए तो उन्होंने मुझसे कहा जब इंदिरा जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि हमारी अभी नई आई हैं तो कहने लगे कि मौसना जी मैंने तो अपने पाकिस्तान में इतनी अवतार पार्टियां नहीं खाई जितनी महिया खा रहा ऐसी काफ़ी देर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज लाइक दिस बट जान लास्ट क्वेश्चन है कि आपने इंदिरा गांधी की जो इतना जिक्र किया आप राहुल और प्रियंका में आपको किस जारी झलक इंदिरा गांधी की किस में दिखती है नहीं देखिए आई नो पीपल से प्रियंका बड़ा आप बताइए जितना इंदिरा जी को तजुर्बा था मतलब वो अपने वालिद के साथ रही थी फादर के साथ रही थी उन्होंने बहुत कुछ सीखा था जाने वो कहती Freedom थी ना था। कहती हाँ। थी मुझे उन्होंने कस्सा सुनाया कि जब मैं छोटी थी तो घर में कोई मेरे तुम मैं तुम लोग समझते हो कि, कि मैं फंस करती हूँ अगर कहीं गई और तस्वीर भी जरा सी टेढ़ी तो फ़ौर ठीक करते अच्छा। तो कहने लगी कि भाई मैं मेरी आदत पड़ गई है क्योंकि कभी कभी घर में ना दोनों हमारे माँ बाप जेल में होते थे तो हम ही को देखना पड़ता था तो हम ये देखते बिस्तर बिछौना ये वो कौन क्या ओढ़ेगा और क्या खाएगा तो वो सब मैं करती थी तो मैं जो हूँ मैं शुरू से मेरी आदत पड़ी है देख रेख की तो वो बहुत ज़्यादा उसकी कायल थी घरदारी भी उतनी अच्छी करती थी अच्छा लाइक अ ट्रू पॉलिटिशियन आपने जवाब नहीं दिया लेकिन बट एज एस ए मोहसिना जी रेप्रजेंट एन ओल्ड एरा एरा दैट आई थिंक द कांग्रेस शुड टेक अ लुक बैक क्योंकि उसमें काफी लेसन है काफी पर्सपेक्टिव है और कांग्रेस का पूरा फाउंडेशन इन्हीं बातों में है सो आई थिंक दिस इज आज भी, भी मैं कहती हूँ कि अगर okay. कोई पोलिटिकल पार्टी है जिसकी कुछ आइडियोलॉजी है और जिसकी कुछ वो है या तो हमारी है, या पार्टी है या कॉम्युनिस्ट पार्टी है लेफ़्ट पार्टी उनकी कुछ आइडियोलॉजी तो है वो चाहे लोग उससे खुश हों या ना खुश हो लेकिन वो आई, एक हमारी पार्टी जिसकी अपनी आइडियोलॉजी तो है कि हमें क्या करना है और नेहरू जी को जो कहा जाता है नेहरू जी बहुत ज़बरदस्त पोलिटिशियन थे वो ना होते और गांधी हमारे अगर ना होते तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था फिर मौलाना का hmm. मौलाना का उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना yes. वो एक कॉम्बिनेशन जो मना इन नेहरू जी का और वो कि वो जो कहते थे वही वो करते थे

गादियों की एक बड़ी हाई स्टाइल का लो होता है ये बिल्कुल आपको लगेगा कि आपके घर का एक सदस्य है जो अपनी बात की अपनी जीवन कथा बयान कर रहा है जिसने जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह और राहुल गांधी का पूरा समय देखा है थैंक यू थैंक यू मोशना जी आपने all बहुत है? अच्छी टिप्पणी दी सो मच थैंक यू फेमस एज वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल हिट द बेल आइकन